नमस्कार दोस्तों, प्रकाश कुमार सैनी बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बाइक रहती है ना, उसकी बैटरी को किस तरीके से आप घर पर चार्ज कर सकते हो। तो वह बिल्कुल सिंपल ट्रैक रहता है, या फिर आप सर्विस कर रहे हो, आपके पास कोई सेटअप नहीं है, तो आप जो कस्टमर की बाइक रहती है ना, उसकी बैटरी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हो। तो सिंपल, ये बैटरी है तो सब बाइक में लगी रहती है, ठीक है। तो इसमें दो नट रहते हैं, तो आपको लाने स्पिनर होना चाहिए। यदि आप नॉर्मल भी हो, यदि आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हो, तो किस तरीके से करोगे, तो ये 10 mm वाला बोल्ट को आप खोल लोगे। खोलने के बाद इस तरीके से ये यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये बोल्ट को खोल लो। दोनों बोल्ट को आप आराम से खोल लेना। खोलने के बाद ये बैटरी निकल आएगी। बैटरी निकलने के बाद आप किस तरीके से चार्ज करोगे, बिल्कुल सिंपल है। घर पर जो डिश टीवी रहती है, जिसमें आपका जो हमारे घर जो डिश टीवी लगी रहती है, इस तरीके के एडोप्टर रहते हैं, इसमें लिखा रहता है आउटपुट 12 वोल्ट DC 1 एम्पियर। इस वाले आप एडोप्टर की सहायता से बैटरी को चार्ज कर सकते हो। वो किस तरीके से करोगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, जो रहता है ना जैसे चार्जर रहता है, उसके पास में ये दो पिन रहती है, एक रहता है पॉजिटिव, एक रहता है नेगेटिव। तो आप जो अंदर वाला रहता है वो पॉजिटिव रहता है, और बाहर वाला रहता है वो नेगेटिव रहता है। तो इसमें जो मार्क लगा रहता है, देखो यहाँ पर रहता है एक नेगेटिव, एक रहता है पॉजिटिव। तो जो अंदर वाला रहेगा आपको पॉजिटिव में लगाना है, और जो काला वाला रहता है बाहर वाला, ये वाला, ये आपको नेगेटिव में लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर लगा दोगे तो ये बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। लेकिन जब भी आप बैटरी को चार्ज करो, तो सबसे पहले मल्टीमीटर की सहायता से एक बार आप चेक भी लो, कंफर्म कर लो। यदि आपके पास मल्टीमीटर है तो उसकी सहायता से आप चेक कर लो इसके अंदर कितना वोल्ट है। तो हम भी चेक कर रहे हैं इसके अंदर कितना वोल्ट आता है। इसके अंदर अभी आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, 7.83 है, यानी इसके बैटरी डिस्चार्ज है। हम इसको अब चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर से आप इसके अंदर की जो वोल्टेज रहता है उसको आप चेक कर सकते हो। तो ये एक एडोप्टर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये एक एडोप्टर लगा दिया, इसको चार्ज कर दी, चालू कर दिया। अब इसके अंदर देखो ये दो वायर रहते, दो वायर में आप इसको चेक कर लो कितना वोल्ट आ रहा है। एक प्लस में प्लस वाले को लगाओ, इस तरीके से आप लगाओगे तो इसके अंदर का आपको जो वोल्ट दिख रहा है आपको 12.14 वोल्ट दिख रहा है। तो जब भी आप बैटरी को लगाओगे, देखो 12.1 दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। आप इसको अब लगाओ, चेक करो इसको, पहले सबसे पहले बंद करो। बंद करने के बाद इसको अब आप प्लस वाले में प्लस को लगाओ, ये आपका ये प्लस करेगा, ये नेगेटिव रहेगा। इसको अच्छे से टाइट कर देना। अब आपको सबसे पहले पॉजिटिव लगाना है और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। इधर की साइड नेगेटिव लगा देना है। कंफर्म कर लो ये बिल्कुल दोनों तरफ लग जाएगा। अब आप क्या करो, फिर एडोप्टर को चालू कर दो। अब हमने एडोप्टर को चालू कर दिया है जी। अब इसके अंदर का हम बोल्ट चेक करेंगे कितना आ रहा है। अभी इतना आ रहा है, धीरे 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 ये चार्ज होगा तो इसका जो वोल्टेज रहेगा वो 12.4 के लगभग आ जाएगा, तो बिल्कुल बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अभी ये धीरे धीरे चार्ज हो रही है, अब हम कुछ समय बाद देखेंगे बैटरी कितनी चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से आप बस, आपके पास एक बैटरी होना चाहिए, एक एडोप्टर होना चाहिए, दोनों बार इस तरीके से आप लगा दोगे तो आप घर बैठे ही बैटरी को चार्ज कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आजकल हमारे डिश टीवी है, उसमें एडोप्टर लगा रहता है,
उसको निकालो, प्लस माइनस वाला पिन लगा दो बार निकाल के आराम से बैटरी में लगा दो और बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है। तो अब देखते हैं थोड़ी देर बाद कितनी चार्ज हो जाएगी ये। तो इस तरीके से आप बैटरी को चार्ज पे लगा दोगे, 2 या 3 घंटे बाद ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। इसके बाद आप निकाल लेना और बैटरी को फिर गाड़ी में लगा लेना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।